हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। प्रोनाउन आप लोगों ने पहले जैसे पढ़ा है, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। अब लेकिन हम अपने डेली लाइफ में जब हम किसी का नाम बार बार बुलाते हैं तो ठीक नहीं लगता, उसकी जगह जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। तो मैंने जैसे इसमें लिखा है मीन्स फॉर ए नाउन, द वर्ड्स यूज एंड द डेफिनेशन में भी है द वर्ड प्रोनाउन इज़ द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में हमारे पास तीन तरह के लोग शामिल होते हैं। एक तो मैं जो खुद बात करता हूँ तो मैं कहलाता हूँ आई, और दूसरा जिससे हम सामने वाले से बात करते हैं वो होता है यू, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन जिसकी तीसरी बारी के बारे में बात की जाती है वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो हमारे पास ये पर्सनल, इनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, आई वी यू ही, ठीक है। आई जो मैं अपने आप बात कर रहा हूँ, वी जो आई का प्लूरल होता है, हम दो लोग मिलकर बात करते हैं, यू सामने वाला अकेला भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ही मेल के लिए आएगा, शी फीमेल के लिए आएगा, इट आता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है मोस्टली उनके लिए आता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा टॉपिक कि आई वी इनके साथ, मैं तो मैंने बोल दिया लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे मेरा, उसके लिए कौन सा आता है, उनको कहते हैं माई। इसके साथ जिसका मतलब होता है मेरा, एक वर्ड्स का यूज़ होता है मुझको, जिसको कहते हैं माई, मी, मुझको दो, ही गेव मी ए बुक टू मी, ठीक है। वी, वी के साथ आता है अवर, अवर का मतलब है हमारा। आई का मतलब, आई के साथ हम यूज़ करेंगे माई और मी, वी के साथ अवर, और दूसरा है यस, अस। यू के साथ हम योर का ही यूज़ करेंगे, इसमें दोनों अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे ही के साथ हिज और हिम, शी के साथ हर या हर्स, हर्स का मतलब होता है उसका, ये चीज़ उसकी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आपको, आप लोगों ने कब फॉलो कर ली होगी। अब इनके लिए वर्ड्स का यूज़ होता है नॉमिनेटिव केस, जब हमारे पास आई को हम यूज़ कर रहे हैं ये कहलाएगा नॉमिनेटिव, आई वी नॉमिनेटिव, आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। पजेसिव में आ जाएगा माई, आवर, योर, ठीक है। और थर्ड पर्सन में मैंने जैसे आपको बताया था, थर्ड पर्सन में हिज और हर, ठीक है। और इसमें आता है, अब नेक्स्ट आता है हमारा इट, एक वर्ड का हमने यूज़ किया है इट। इट क्या है, इट का यूज़ होता है जब हमारे पास फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, एग्जाम्पल इज हियर इज योर बुक, इट इज ऑन द टेबल, हियर इज योर बुक, इट इज ऑन द टेबल, क्लियर। नेक्स्ट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स का भी जब स्पेशली हम उसको जो यूज करते हैं, जब उसे लाइफलेस नहीं, उसे लाइफ, उसे बनाना चाहते हैं कि पर्टिकुलरली उसको हम लिविंग के तौर पर नहीं, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, ठीक है। और हम फॉर यंग चाइल्ड, फॉर यंग चाइल्ड, फॉर यंग चाइल्ड का मतलब होता है कि जब हमारे पास एक बच्चा है, बच्चे का मतलब होता है ना लड़का ना लड़की, तो उसके साथ में जब छोटा बच्चा होता है तब हम उसके साथ इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, थैंक यू।